हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च फॉक्सटेल मेडिबैंक सनस्क्रीन की। एंड इसके अलावा इसका एक और वेरिएंट है, दैट इज अ फॉक्सटेल ड्यूई फिनिश सनस्क्रीन। एंड इसका मैंने सैंपल ट्राई किया एक्चुअली आई गेस 2 से 3 बार, एंड इट्स रियली रियली ऑयली एंड स्टिकी एंड ग्रीसी ऑन माई फेस, एंड आई हैव ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। बट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सनस्क्रीन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस, पैकेजिंग, ingredients and UV filters. So basically it comes in a plastic packaging and the price of this sunscreen is 675 rupees for 50 ml, and this sunscreen is SPF 50 and PA++++, means it has 4 times plus, and this sunscreen is hybrid sunscreen and isme hai new generation filters jo ki main screen pe mention kar dun, and isme hero ingredients hai niacinamide, panthenol and vitamin E, and dewy sunscreen में भी same hero ingredients है, but उसकी जो ingredient list है ना काफ़ी ज़्यादा long है। And it has gel lotion based texture which is very lightweight and absorbs very quickly into the skin, and also it doesn't leave any white cast. Now my experience with this sunscreen, which is very very important, like how I feel and reapplication me kaisi hai and everything. First of all, जब मैंने इसको apply किया then it blends very easily, effortlessly, and इससे मुझे बिल्कुल भी white cast नहीं हुआ, and ये sticky and greasy भी नहीं है to be very honest. But when you touch your face like apply करने के बाद तो ये आपको थोड़ी सी sticky लग सकती है. Of course, even मैं अगर कुछ भी apply नहीं करती हूँ ना, in monsoon and summer में मेरी skin मुझे sticky लगती है when I touch my face. Otherwise ये आपको sticky and greasy नहीं लगेगी. And till now मुझे कोई भी matte finish sunscreen नहीं लगी है, like आई हैव ऑयली स्किन तो मुझे कोई भी सनस्क्रीन इतनी मैट फिनिश नहीं देती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कोई मैट सनस्क्रीन बता दो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब जब मैं मैट सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीमली मैट होती है उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ये कम्प्लीटली मैट नहीं है। दिस वन इज सेमी मैट फिनिश एंड ये मुझे ड्यूई लुक दे रहा था। सो ओवरऑल ये मुझे सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इवन अगर आपकी ड्राई स्किन है तभी आप इसको ट्राई कर सकते हो इन समर और मॉनसून। विंटर के लिए आपकी अच्छी नहीं है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको मॉनसून में, समर में एंड विंटर में भी ट्राई कर सकते हो। एंड ओवरऑल आई रियली लाइक दिस सनस्क्रीन, ट्राई दिस, वर्थ ट्राइंग सनस्क्रीन है ये। बट इसका ड्रॉबैक यही है कि ये सनस्क्रीन वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, बट ये इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड ऑल्सो दिस सनस्क्रीन इज सर्टिफाइड विच इज वेरी वेरी अमेजिंग। सो बेसिकली इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी मैंशन की है वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते। एंड री एप्लीकेशन इज ऑल्सो ईजी, इट डजेंट फील स्टिकी एंड ग्रीसी, बट आफ्टर फ्यू आवर्स लाइक 2 or 3 hours के बाद मुझे मेरी स्किन थोड़ी बहुत ऑयली लग रही थी, बट इट डजेंट पिल्स, लाइक मुझे इससे बिल्कुल भी पीलिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई है। सो ओवरऑल दिस सनस्क्रीन इज क्वाइट गुड, वेल फॉर्मेटेड, तो आप इसको ड्राई कर सकते हो। एंड हियर इज अ वीडियो एंड एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल नेक्स्ट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।